हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड के बच्चे सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। जैसा कि आपको रिवीजन चैप्टर चले हुए हैं, आपके सेवंथ डे है आपका, और मैं पिछली वीडियो में आपको 17 क्वेश्चन भी करा चुका हूं, बट आज हम क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान देंगे। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सबट्रैक्ट करने हैं, और सबट्रैक्ट में पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देखो बच्चा, जब आप सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको सिंपल सा मैटर होता है करने का, कि 7 में से जब आपको थर्ड घटाएंगे या सब सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 आप इधर लाइन कर लेंगे इस टाइप से। ये 7 आपकी लाइनिंग हो गई। अब घटाना कितना है थर्ड, तो 3 आपको काट देने, 1 2 3। अब जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पे लिख देना 4, ठीक है। अब 1 में से 5 जाता नहीं है आपका, तो 1 यहाँ से कैरी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, ये 1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी है आपका, ये आपको सबट्रैक्ट करना है। 9 में से 4 जाएगा तो 5, अब यहाँ पे 1 में से 9 नहीं जाता है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 10 ले लेनी है, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 18 वाले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है, 18 वाले में ये आपको कंप्लीट करनी ही है। और 19 वाला क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये अरेंज इन कॉलम करना है और सबट्रैक्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, 326 - 107, पहले तो कॉलम में अरेंज कर ले इस टाइप से, अब इसके नीचे रख दें इसको। यहाँ 6 में से 7 नहीं जाता है तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेगा, 1 बचा, 1 में से 0 गई तो 1, 3 में से बन जाएगा तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये आज आपका HW है, क्वेश्चन नंबर 18 के 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 के आपके 9 क्वेश्चन है, टोटल हो गए आपके लिए 18 क्वेश्चन। ये HW आपका, ठीक है, ये नोटबुक में करें, नोटबुक अपनी स्कूल में पहुंचाएं ताकि हम उसको चेक कर सकें।